श्री कृष्णा दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे सो so दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये ग्लोइंग सा, सा न्यूट सा बहुत ही इजी और मैंने इसमें कोई लाइक बीबी क्रीम का यूज नहीं करा है कोई फाउंडेशन का यूज नहीं करा है कोई मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज नहीं करा है कहने का मतलब है बहुत कम प्रोडक्ट से मैंने ये सुपर ग्लोइंग और एकदम नेचुरल नो मेकअप मेकअप लुक भी कह सकते हैं आप विंटर के लिए स्पेशली मैंने अचीव करा है और जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये आपको जल्दी में कहीं जाना आपके पास सिर्फ टू या थ्री मिनट से तैयार होने के लिए या सिर्फ पांच मिनट तैयार होने के लिए तो आप ये वाला सिंपल सा न्यूज सा ग्लोइंग सा मेकअप कर सकते हैं बहुत कम प्रोडक्ट से और जिनको नहीं आता है मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो को डिटेल में आपके साथ शेयर करूं और जो टिप्स या हैक्स आप कह सकते हैं मेकअप को करते समय जो जो मुझे आते हैं वैसे आई एम नॉट अ प्रो लेकिन फिर भी मतलब मैं कोशिश करती हूँ जो मैं नया नया सीखती रहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो मैंने टिप्स भी इसमें शेयर करें हैं तो दोस्तों ये वीडियो मैं काफ़ी डिटेल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ध्यान से देखिएगा और जो टिप्स मैं बता रही हूँ उनको जरूर फॉलो करिएगा फिर देखिए आपका मेकअप कितना अच्छा निकल कर आता है तो दोस्तों आइए फाइनली हम अपने मेकअप को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है फेस वॉश से पहुँच के अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी आपको जो फेवरेट हो आप वो लगाइए जो आपको सूट करता है मैंने यहाँ पे निव्या का लिया है और दोस्तों मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना चाहिए नोज़ के पास आँखों के पास नेक पे हल्का सा ईयर पे टचअप तो यहाँ अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाने वजह से हम दो मिनट के लिए छोड़ देंगे और हम लिप्स को मॉइस्चराइज़ करेंगे साथ में फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एन वाई वे का ये ऑरेंज कलर करेक्टर दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये हमारे प्राइमर का भी काम करता है और हल्के फुल्के जो दाग धब्बे होते हैं डिसकलरेशन होती है उसको भी हाइड कर देता है और स्मूथ को एकदम हमारी स्किन को एकदम स्मूथ कर देता है फिर मैं यहाँ पे अगेन एन बाई बे का स्ट्रो क्रीम ले ली दोस्तों ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं पर इसको लगाने से ना जस्ट लाइक हाईलाइटिंग इफेक्ट आ जाता है आपकी स्किन क्या है नेचुरली ग्लो करती है जब हम बेस बनाएंगे इसके ऊपर कुछ लगाएंगे तो काफ़ी ग्लोइंग सा बेस बनता है और स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है तो इसको लगा के दो मिनट के लिए छोड़ देंगे हर प्रोडक्ट के बाद आपको दो मिनट का गैप लेना है फिर मैंने यहाँ पर डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर आपकी जो स्किन टोन हो उससे आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर डार्क मतलब एक नंबर लाइट ले सकते हैं ज़्यादा लाइट नहीं लेना है इसको हम बहुत हाँ। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है दोस्तों बहुत हल्का हल्का लगाना है जिस तरह से आप देख रहे हैं मेन जो हमें लगाना है वो आइस के नीचे आइस के ऊपर और हल्का हल्का टचअप देना है और इसको अच्छे से अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है जब भी आंखों के नीचे का दोस्तों मैंने यहाँ पे स्पीड ज़्यादा कर दिया आपको नॉर्मल हाथ चलाने हैं इस तरह से करें ऊपर देखते हुए और आंखों को बंद करके आंखों के ऊपर थोड़ा हाथ फास्ट चलाएँगे बिकॉज़ इसको ड्राई होने से पहले हमें इसको अच्छे से ब्लेंड करना है लिप्स के आसपास इस तरह से मंकी फेस बना के ब्लेंड करें अच्छे से ईयर पर टचअप दें अच्छे से हेयर जो लाइन होती है हमारी थोड़ा सा बालों को पीछे करके इसे टचअप दें जिससे कि हमारा फ्रंट से फेस है बिल्कुल एकसार लगे ऐसा ना लगे कि हमने आगे आगे लगा लिया कई बार साइडज़ हम छोड़ देते हैं बहुत बुरी लगती हैं तो यहाँ पूरा ब्लेंडिंग करने के बाद अब मैं लूँगी लूज पाउडर लूज पाउडर की क्वान्टिटी दोस्तों बहुत ही थोड़ी लेनी है ये तो बहुत ज़्यादा ढक्कन में निकल गया इसमें से मैंने आधा भी यूज़ नहीं करा था देखिए इतना जरा सा लेंगे और ऊपर देखते हुए इस तरह से सबसे पहले आइज के नीचे हम सेट करेंगे इसको और आप फिनिशिंग देखेंगे आपको दोनों तरफ फिनिशिंग अलग एकदम पता लगेगी बहुत हल्का लगाना है बिकॉज हमें ड्राई लुक नहीं बिकॉज दोस्तों विंटर्स में है तो ज्यादा ड्राई हमें फेस नहीं दिखाना होता है तो यहाँ हल्का हल्का लगाने के बाद आप देखेंगे बहुत ही थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी ले और जस्ट मैं एक फेस पे डैप डैप करके इसको जस्ट एक लाइक टचअप दे रही हूँ जिससे कि मेरा जो पूरा बेस अच्छे से वो सेट हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्के से कंसीलर से हमने कितना अच्छा नेचुरल सा बेस बना लिया है जब भी आपको नेचुरल मेकअप करना हो तो आप यही स्टेप्स फॉलो करें काफ़ी अच्छा मेकअप निकल कर आता है फिर मैंने यहाँ पर ब्लैक काजल लिया जो ममा अर्थ का है आप जो 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 आपके पास प्रोडक्ट्स हो आप वो यूज़ करेगा कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है इस तरह साइ बंद करके लगाइएगा तो आपकी अपर और लोअर दोनों वाटर लाइन पर एक साथ लग जाता है और आँख क्या है हमारी थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगती है अब मैं क्या करूँगी इसी लाइनर को मैं लूँगी आपने देखा मैंने यहाँ पे डायम ब्यूटी ब्लेंडर्स लिया इसलिए ताकि मेरे बेस पे क्या फिंगर्स के निशान ना पड़े तो इस तरह से मैंने उस हल्का सा आई को स्ट्रेच करा और पतला सा मैंने रफ सा एक लाइनर बना लिया अपने ममाथ के काजल से ही और उसको मैं हल्का सा या फ्लैट ब्रश लेके कर स्मच करूँगी बहुत हल्का सा स्मच करेंगे तो ये लाइट सा स्मोकी सा इफेक्ट देता है दोस्तों ये बहुत नेचुरल सा आई मेकअप है बहुत जल्दी हो जाता है और हर ड्रेस के साथ आप इसे कर सकते हैं और डे में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है इसके बाद मैंने यहाँ पे मेवलिन का मस्कारा लिया है इसको मैं अपर और लोअर दोनों अपने लैशेज पे अच्छे से लगाऊंगी दो दो कोट लगाऊंगी ताकि आइज मेरी ओपन अप लगे और काफ़ी अच्छा सा एक इफेक्ट आ जाए क्योंकि हमें ज़्यादा हाई मेकअप अच्छा। नहीं करना है उसके बाद दोस्तों मैंने पिंक कलर का लिप ग्लॉस लिया आपके पास जो हो आप वो लीजिएगा नहीं हो तो आप ब्लू हेवन का भी चेक कर सकते हैं ब्लू हेवन के जो लिप ग्लॉस है काफ़ी अच्छे हैं तो मैंने अच्छे से नोज़ वगैरह पे भी लगा लिया बिकॉज सर्दी में क्या है ठंड के मारे हमें नोज़ वगैरह भी थोड़ी सी लाइक पिंकिश पिंकिश रहती है फिंगर्स को मैंने हल्का सा वार्म किया रगड़ के और मैंने इसको डैब डैब करके रगड़ना नहीं है डैप डैब करके मैंने अपनी स्किन में इसको एब्जॉर्ब कराया तो आप देख सकते हैं कितना ही नेचुरल एक ग्लोइंग से इफेक्ट आ रहा है कोई हाइलाइटर की जरूरत नहीं है कोई हमें अलग से ब्लश की जरूरत नहीं है और उसी लिप ग्लॉस से मैंने अपने अच्छे से लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लिया क्योंकि मैं पहले करना भूल गई थी अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ दोस्तों ये मेबिलिन का क्या है कॉन्टोर स्टिक है कॉन्टोर है एक साइड एक साइड इसमें हाइलाइटर है क्रीम वाला क्योंकि अभी विंटर्स हैं थोड़ा तो हम क्रीम प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो मैंने बहुत हल्की सी पतली सी लाइन बनाई सिर्फ मैंने यहाँ पे कॉन्टोर को नोज नोज ही कंट्रोल करिए फिंगर्स को ऐसे रब करा वॉम करा और हल्का सा उसी जगह पर मैंने इसको लाइक like सेट कर लिया अब स्पूली से हम आईब्रोज को कम करेंगे मैंने यहाँ पे वेट वाइल्ड का आईब्रो फिलिंग किट लिए आप कोई भी ले सकते हैं और ब्राउन कलर जो दोस्तों में यूज़ कर रहा है ब्राउन कलर क्या है ज़्यादा नेचुरल लो इफेक्ट देता है और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हमारी जो आईब्रोज हैं वो नहीं लगती और फिलिंग करने के बाद हम दोबारा से इस पूली से इसको कॉम करेंगे यहाँ मैंने अपने अच्छे से लिप ग्लॉस को मॉइस्चराइज लाइक लिप्स पर अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पर जस्ट हब का ये शेड ले रही हूँ जो बहुत ही नेचुरल लुक देगा तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है ये मेकअप लुक क्रिएट करना कितना कम टाइम लगता है प्रोडक्ट्स भी हमने बहुत ज़्यादा यूज नहीं करे हैं और इसे हमारे टीनेजर्स ऑफिस गोइंग टीचर्स कॉलेज गोइंग गर्ल्स ये आपको मैंने जैसे कि बताया आपको जल्दी में कहीं जाना है सिंपल सा आपको ग्लोइंग से एकदम मेकअप चाहिए बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं चाहिए तो आप इस तरह के मेकअप लुक को अचीव कर सकते हैं बहुत ही ईजी है और जल्दी हो जाता है और बहुत ही नेचुरल लुक देता है जो आजकल मेरा फेवरेट है तो मुझे लगा मुझे अभी वीडियो शूट करनी है तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो अधिकतर मैं वीडियो शूट करते समय विंटर्स में इस तरह का ही बेस बनाना पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा हैवी बेस जब होता है जब हमें मेकअप वीडियोस प्रॉपर या फिर हमें लाइक हैवी मेकअप वाली वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर करनी होती है स्पेशल फॉर वेडिंग सीजन्स या फंक्शन या फेस्टिवल्स के लिए लेकिन बेसिकली आजकल जो मेरा करंट फेवरेट है वो यही है मैं कहीं बाहर आती जाती हूँ या मुझे नॉर्मल वीडियो शूट करनी होती है तो मैं यही लुक को अचीव करती हूँ विद इन फाइव मिनट्स तो आई होप दोस्तों आप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो लाइक करेगा शेयर करिएगा कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा छोटे से बेलाइक करो ऐसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम भी मिल सके सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप सबको राधे राधे